सुजानगढ़ सूचना में आपका स्वागत है। कृषि मंडी के पीछे स्थित नारदोरा मोहल्ले में अपने किरायेशुदा मकान में एक डेढ़ उम्र के व्यक्ति का शव मिला है। जानकारी अनुसार दुलियावास का मूल निवासी राजू, उम्र करीब 50 वर्ष, पुत्र मंगतुराम प्रजापत, करीब डेढ़ माह से यहां पर किराए के मकान में रहता था। लोगों ने बताया कि मृतक आदन शराबी था, जिसके गुरुवार को मकान से बाहर नहीं आने पर लोगों को शक हुआ। वहीं शाम को पुलिस थाने के एसआई भंवरलाल ने मई जाप्ते के घटना का मौका मुआयना किया और जानकारी ली। मृतक के भाई पप्पू ने बताया कि दुलियावास से करीब डेढ़ माह पहले यहां पर यह आया था और पास ही में निर्माण कार्य पर काम भी किया करता था। वहीं पूर्व पार्षद बीरबल प्रजापत सहित अनेक लोग मौके पर मौजूद रहे और पुलिस ने टीम हरेक का सहारा के सदस्यों की मदद से शव को बगड़िया अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। पुलिस परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर आगामी कार्रवाई करेगी। उपखंड कार्यालय पर किसानों का धरना लगातार 30वें दिन भी जारी रहा। धरने पर एडवोकेट राम कुमार मेघवाल, बनवारीलाल बिजानिया, मुमताज महबूब, बड़गुजर, तेजपाल गोदारा, सोहिल गोपालपुरिया सहित बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उपखंड अधिकारी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर तीनों कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की मांग की। तेहंदेसर के चर्चित 2015 के गुमनाराम हत्याकांड में हार्डकोर आरोपी जीतू उर्फ जितेंद्र चारण को कड़ी पुलिस सुरक्षा के बीच न्यायालय में पेश किया गया। आरोपी के अधिवक्ता एडवोकेट रमेश गुलेरे ने बताया कि मामले में नर्स ममता स्वामी, अश्विनी स्वामी के बयान दर्ज होने थे, लेकिन अन्य आरोपियों के पेशी पर नहीं आने के कारण बयान दर्ज नहीं हो सके। वहीं आरोपी जीतू उर्फ जितेंद्र चारण को जयपुर जेल से पेशी पर लाया गया था। प्रकरण में शुक्रवार को तीसरे दिन लगातार सुनवाई होनी है। आज गुमनाराम हत्याकांड जो वर्ष 2015 में इसकी हत्या हुई थी, इनमें से पांच आरोपीगण न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे हैं, जिनमें से एक आरोपीगण जितेंद्र उर्फ जीतू चारण को आज न्यायालय में पेश किया गया। शेष आरोपीगण आजाद सिंह, देवेंद्र पाल सिंह, बलवीर सिंह निमोद, तेजपाल सिंह को न्यायालय में आज पेश नहीं किया गया। गवाह ममता और अश्विनी स्वामी आज न्यायालय में हाजिर आए, लेकिन उनके बयान आरोपीगण समस्त आरोपीगण न्यायालय में नहीं आने के कारण उनके बयान दर्ज नहीं हो सके। ये प्रकरण वर्ष 2000 का बहुचर्चित हत्याकांड है, जिसकी जाँच एसओजी जयपुर ने की थी।